हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आप सबको हैप्पी नवरात्रि। तो कैसे सेलिब्रेट कर रही हो नवरात्रि, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस बार बड़ी दुख की बात है गाइस कि इस बार मैं नवरात्रि नहीं रख पाई हूँ। जिस दिन, मतलब कल जो है नवरात्रि था, और उससे अगले रात को ना मेरे पेट में गाइस बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और इसलिए मैं जो कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई नवरात्रि से पहले। जो तैयारी करना चाहिए, सामान वगैरह लाना चाहिए, वो कुछ भी नहीं लाया। और उसके अगले दिन भी, जैसे कल नवरात्रि था तो कल भी जो है मेरे पेट में बहुत दर्द था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जब तबीयत ख़राब तो इस बार कैंसिल कर दो। तो मैंने इस बार जो है नवरात्रि नहीं रखा। और इससे पिछली बार जो है मैंने नवरात्रि बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया था, मतलब बहुत ही अच्छे से नवरात्रि किया था। तो उसका ब्लॉग भी है, आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छा लगा था। एक रूम में रहते थे, उसमें किचन नहीं था, उसी रूम पे खाना बनाते थे, उसी रूम पे मंदिर था, लेकिन जो है बहुत ही अच्छा लगता था। सब कुछ जो है सामान सेट था। तो कोई बात नहीं गाइस, इस बार नहीं रख पाई हूँ। माता जी ने इस बार हिम्मत नहीं दिया है, अगली बार ज़रूर रखेंगे। तो और एक खुशखबरी भी है गाइस। तो कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरा फर्स्ट पेमेंट जो है आ गया है गाइस। तो फर्स्ट पेमेंट तो आ गया था, लेकिन अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम था। बैंक वाले ने फ़ोन किया था कि पैसे रिटर्न हो जाएगा आपका अगर अकाउंट सही नहीं किया तो। तो मेरे अकाउंट जो है KYC किया, उसके बाद जो है सही हो गया, और वो पैसे जो है रिटर्न वापस नहीं गया था। तो गाइस, पैसे जो है फिर से मेरे अकाउंट में आ गया है गाइस। और कितना आया है वो तो मैं डायरेक्ट आपको नहीं बता सकती, लेकिन गाइस मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मेरे अकाउंट में कितना आया है तो डायरेक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है। आप अपने पेमेंट जो है डायरेक्ट अपने व्यूअर्स को नहीं बता सकते। तो कुछ भी रीजन देके या कुछ भी सजेस्ट करके उसको बता सकते हैं कि मतलब उस पैसे से आप क्या ले सकते हो और उसका रेट कितना हो सकता है। सो गाइस, मैं अभी बता ही देती हूँ मैं आपको। तो उस पैसे से मैं जो है एक स्मार्टफोन ले सकती हूँ, या माइक्रो ओवन ले सकती हूँ। तो ये रीज़न रहा जो मेरा कि कितना पेमेंट आया है। तो बहुत ज़्यादा तो पेमेंट नहीं आया है, थोड़ा बहुत आया है। तो मैंने आपको बोला भी था कि फर्स्ट पेमेंट से मैं सबके लिए गिफ्ट लूँगी जिन्होंने मेरे साथ दिया है। तो देखिए, मेरे भैया ने, मम्मी ने, भाभी ने, भाई ने, सब लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने जो है साथ दिया है। तो मेरे हस्बैंड जी को तो मैंने बोल दिया है, मेरे हस्बैंड जी को वॉच लेना था स्मार्ट, तो मैंने उन्हें पैसे दे दिया। तो मेरे हस्बैंड जी वॉच लेंगे, और मैंने अपने भैया के लिए एक गिफ्ट प्यारा सा मंगाया है। तो लड़की के लिए चॉइस उतना तो नहीं होता है, क्योंकि क्या दूँ समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने अपने भैया के लिए एक स्मार्ट वॉच ही मंगाया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मम्मी के लिए एक साड़ी मंगाया है, भाभी के लिए भी एक साड़ी मंगाया है, तो वो भी जब आ जाएगा तो वो आपको दिखा दूँगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ वॉच कैसा है। सो गाइज, बहुत खुशी की बात है कि खुद के पैसे से अपने भैया को मैं गिफ्ट खरीद के दे रही हूँ। तो ये कभी नहीं सोचा था मैंने गाइज, कभी नहीं। और जब मैं YouTube में आई थी तो ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं YouTube से जो है पैसे कमा पाऊँगी कभी भी। तो अगर कुछ भी गाइस मन में ठान लो ना कि मुझे ये चीज़ करना है और मुझे यहाँ तक पहुँचना ही है, तो ये अगर आपने ठान लिया तो कैसे भी करके आप कर लोगे। बस हमारे मन में जो है हिम्मत रहना चाहिए, और कभी जो है हौसला नहीं हारना चाहिए। तो वही हौसला मैं बना के रखी हूँ हमेशा, और मेरे पीछे से मेरे हस्बैंड ने, मेरे भैया ने, मेरी मम्मी ने हमेशा पुश किया है कि तुम आगे बढ़ो। तो मैं जो है YouTube में तब से लेके अब तक जो है काम करती रह रही हूँ, और हमेशा करती रहूँगी जब तक मैं हूँ। मुझे लगता है तब तक मैं YouTube में वीडियो बनाऊँगी। तो ये देखिए गाइस, वॉच का मैंने पैकेट पहले ही खोल लिया। तो ये देखिए वॉच, तो ये स्मार्ट वॉच मंगाया है मैंने। इसमें जो है आप अपना BP चेक कर सकते हो, फिर जो है आप अपनी धड़कन चेक कर सकते हो, फिर आप कितना वॉक कर रहे हो दिन भर वो भी कर सकते हो, और ये स्मार्टफोन से जो है आप अपना फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हो। इसमें जो है कॉल भी लगेगा, और क्या, हाँ, म्यूज़िक भी बजेगा। तो ये देखिए वॉच है, और इसमें से ये स्मार्ट वॉच मैंने निकाल लिया है। तो ये वॉच का ऊपर जो है एक स्टिकर है, ये देखिए, तो ये स्टिकर है एक। तो इसको फिर से मैं दोबारा लगा दूंगी अच्छे से, क्योंकि भैया को तो नया ही देना है, कुछ सामान उठा के नहीं दूंगी।
और इसके साथ जो है एक चार्जर है, तो ये चार्जर और ये वॉच है। तो ये वॉच को ना चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि 5 या 6 डे जो है ये वॉच चार्ज रहेगा, उसके बाद आपको फिर से चार्ज देना पड़ेगा। तो अभी मैं ऑन करके भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ऑन हो गया, तो इस साइड से बटन नहीं, ये ऑन करना पड़ेगा और फिर जो है ऑन हो जाएगा। कैसा लगा ये गिफ्ट मेरा बताना गाइस कमेंट करके ज़रूर। गाइस मैं आ गई हूँ बाहर के साइड और मौसम देखिए, अभी जो है धुंधला धुंधला सा हो रहा है। तो आजकल जो है शाम बहुत ही जल्दी हो जाता है और सुबह शाम जो है ठंड लगने लगी है और दोपहर के टाइम बहुत ही तेज़ धूप हो जाता है, तो इसलिए जो है सबका जो है तबीयत ख़राब हो रहा है। और 2 दिन बाद जो है दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा गाइस, तो बहुत ही अच्छी अच्छी ब्लॉग आने वाला है, तो ब्लॉग तो ज़रूर देखना और प्लीज़ स्किप करके मत देखिए, क्योंकि इतना मेहनत करते तो पूरा तो वॉच कीजिए गाइस, और अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। मैं सोच रही हूँ किचन में जाऊँगी और बहुत सारी मलाई जो है मैंने जमाया है, तो उस मलाई से मैं घी बनाऊंगी और उस घी से जो है मैं बेसन की लड्डू बनाऊंगी। बहुत दिन से सोच रही थी, नवरात्रि भी चल रहा है तो आप भी बना सकते हो और भगवान जी को वही प्रसाद चढ़ा सकते हो। तो चलिए गाइस घी बनाते हैं, जो मलाई है उसी से। गाइस आपने देखा है ना मैंने मलाई को जो है ब्लेंडर में कैसे घुमाया है, ऐसे करने से हमारा काम जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है। नहीं तो आप मलाई को एक गमले में लेके इसको फेंट भी सकते हो और जो मलाई है ना वो घी वाला पार्ट जो है अलग हो जाएगा और उसके नीचे जो दूध रहता है ना वो दूध भी अलग हो जाएगा। तो उसके बाद जाके आप पकाओगे ना उसको, तो पहले वो झाग बनेगा और उसके बाद जो है घी को आप जितने लंबे टाइम से पकाओगे उतना ही आपका घी अच्छा बनेगा। तो अभी जो है घी बनाकर फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये गाइस पहले ऐसे झाग हो रहा है, फिर ये पकते पकते ना कम हो जाएगा झाग और जो है इसमें से घी निकल जाएगा। इसको लगातार आपको चलाना भी है, तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो ऐसे दिखा रही हूँ। ये देखिए गाइस मलाई से जो है घी बहुत सारा निकल गया है, तो इसको लो फ्लेम में हमने पकाया है और लगातार इसको चलाते जा रही हूँ। अभी तक इसमें बहुत अच्छे से घी निकलेगा, तो तब तक हमें पकाते रहना है लो फ्लेम में और उसको चलाते रहना है। ये देखिए गाइस घी तो कितना बढ़िया बना है, बहुत सारा ही बना है, तो बहुत दिन चलने वाला है। तो आप भी ऐसे मलाई जमा के घर पर ज़रूर घी बनाना। गाइस अभी जो है हम लोग जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए, हस्बैंड जी ऑफिस से आ गए हैं, तो चलिए सब्जी लेके फिर मिलते हैं आपसे। हाय कैसे हो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड, मैं चप्पल पा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, बाय। सो गाइस हम लोग जो है सब्जी बाजार से सब्जी लेके आ गए हैं घर पे और सारा सब्जी जो है मैंने फ्रिज में रख भी दिया है। गाइस बहुत थक गई हूँ और आके ही देखिए मैंने बनाया चाय और साथ लेके आए हैं पकोड़ा, पकोड़े, मिर्च और ये देखिए चटनी और ये नमकीन, इससे जो है हम चाय पियेंगे। तो ये है हमारी चाय, अभी रात के बज गए 8 और अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। खाना कब खाएंगे बताओ गाइस। अब मेरे हस्बैंड जी जितने भी रात को आए कहीं से भी घूम के अगर चाय नहीं पिया तो कुछ नहीं खाया। पतिदेव अभी जो है वीडियो में नहीं आ रहे हैं क्योंकि बनियान नहीं पहना है उन्होंने इसलिए। तो गाइस आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ। तो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी ज़रूर करना प्लीज़ गाइस, और न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। रियान और मैं करूँगी बाय।